Hey guys, welcome back to my new blog. और अभी बज रहा रात के 11:30। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बड़ालगंज, वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पे जल भरेंगे। सावन का महीना चल रहा है, क्योंकि पिछले सावन भी हम लोग गए थे भौआ पार जल चढ़ाने। तो कल सोमवार है, तो हम लोग सोचें कि आज ही रात को निकल लेते हैं, तो बड़ालगंज जाएंगे, वहाँ से जल भरेंगे और हो सके रुद्रपुर चढ़ाएंगे। इस बार प्लान बन रहा है रुद्रपुर चढ़ाने का, नहीं तो भौआ पारी चढ़ा देंगे। तो अभी हम आए थे गांव, तो सभी लोग का प्लान बन गया था चलने का। तो अभी हमारे साथ हैं प्रशांत सर, ये भी चलेंगे, और गांव के 3-4 लड़के और हैं, आ रहे हैं रास्ते में, उनको पिक करते हैं और चलते हैं बड़ालगंज। चलेगा पहले बनारस जा रहे हैं और रास्ते में चावल यात्रियों का ऐसा स्वागत हो रहा। बोल बोल अभी कुछ ही दूर बचा। तो फाइनली गाइज, हम लोग जा रहे थे बड़ालगंज, लेकिन अचानक प्लान बना और सभी लोग तैयार हुए और हम लोग बनारस के लिए निकल गए, क्योंकि सभी लोग सहमत थे कि चलो भाई बनारस चला जाएगा, वहाँ से जल लाया जाएगा, फिर भौआ पार चला जाएगा, क्योंकि बड़ालगंज कुछ ज़्यादा दूर था नहीं और सभी लोग रेडी भी थे। और ये रास्ते में कांवड़ यात्रा मिली है, सभी लोग डांस करने के लिए उतरे हैं, तो मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग बनारस पहुंच जाएंगे, वहां पे स्नान करेंगे, स्नान करके फिर वापस घर के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं, यहां से बनारस 15 किलोमीटर है और सभी लोग थके हुए हैं, ये सो गए हैं, और बस थोड़ी देर में हम लोग काशी विश्वनाथ जी के पास रहेंगे और वहाँ से जल भरेंगे, फिर सीधा निकल लेंगे गोरखपुर की तरफ। चलिए गाइस। फाइनली गाइस आ चुके हैं बनारस और 80 घाट दिख रहे हो जी, कहाँ काले बनारस पहुंच गए हैं है। और ये मीडिया वाले हमारे सामने हैं, मीडिया नहीं है भाई, ब्लॉग है। तो हम लोग 80 घाट पे आ चुके हैं और हम लोग का प्लान है अभी जाएंगे सीधे नहाएंगे और अमित भाई को वॉशरूम लगा बहुत जोर से, जो कि कार में परेशान है। यहाँ पे लेमन टी लिए हैं सभी लोग और भैया दिए हैं लेमन टी। भैया क्या एक्सपीरियंस है आपका? हमको 15 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, पे चाय पिला रहा हूँ। हाँ। कमाई अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, खुश हैं। खुश हैं, विश्वनाथ जी दिए हैं, बाबा के दरबार में खुश है सब। हाँ ठीक है, तो सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऋषभ भाई हमारे साथ है। ऋषभ मेरा भाई है, आयुष भाई है, आयुष मेरा भाई है। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे नहा रहे हैं गंगा जी में, सभी लोग हैं और यहाँ पे सुमित भैया कुछ ज्यादा ही मस्त। गाइस फाइनली सनराइज का नजारा है, सुबह 5 बज गए हैं और हम लोग नहा चुके हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से सीधे जल भरेंगे, जल भर के सीधे घर जाएंगे और बहुत मज़ा आया। गाइस यहाँ से जल भरेंगे, जा रहे हैं ये लिए थे जो कि शंकर जी को चढ़ाने के लिए, और यहीं से जल भरेंगे और काफ़ी भीड़ है, सुबह सुबह सब लोग नहाने के लिए आए हैं और इस बार दर्शन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से जल भर रहे हैं।
फाइनली गाइस यहाँ गंगा आरती होने जा रहा है मॉर्निंग में, यहाँ कुछ संबोधित कर रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। लाइट यहाँ पे ऑफ कर दी गई है, यहाँ पे मॉर्निंग हो गया, अभी गंगा आरती होगी। हम लोग अपना ले चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं जल चढ़ाने। बनारस को बाय बाय बोलते हैं, चलते हैं गोरखपुर मुंजेश्वर नाथ बाबा के यहाँ जल चढ़ाएंगे। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा तो तीसरी या चौथी बार है और इन लोग का पहली बार था। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ और ये जल ले चुके हैं, हम लोग की गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, तो वहाँ पे चलते हैं। फाइनली गाइज रास्ते में हम रुके हैं चाय पीने के लिए और अमित भाई नमकीन भी खाए हैं और चाय भी पी रहे हैं। और ये चिड़िया, और कितना प्यारा मौसम है सुबह सुबह। अभी हम लोग मऊ की तरफ जा रहे हैं और दो घंटे में हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और कितना प्यारा सुबह है मौसम, निकलते हैं अब चलेंगे गोरखपुर की तरफ, बढ़ते हैं। और सभी लोग आ रहे हैं बैठे हैं। फाइनली गाइस भोगा पर पहुंच चुके हैं मुंजेश्वरनाथ मंदिर और ये हम लोग का जल है जो कि हम लोग बनारस से लाए हैं। और सभी लोग यहां पे तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं जल चढ़ाने के लिए और हम भी तैयार हैं। और यहां पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है और रास्ते भर सब परेशान कर दिए हैं। चप्पल निकालेंगे कहीं और तो हो जाएगा। रास्ता थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे दो रास्ता है। अरे हमारे सुमित चाचा किए हैं फोर व्हीलर में, क्या परेशान किए हैं बताइए। सोने नहीं दिए हैं, जैसे सो रहे थे थप्पड़ मार के सब जगा दे रहे। बहुत बदतमीज गाइस। नहीं नहीं हम लोग मार मार की गाड़ी से कर जगह आराम से आए जो इतनी गंदगी मचा के रखी थी। क्या किए थे बताइए। सही भी नहीं बोलना था सर आपको, आप अपनी बात छुपा रहे हैं, दूसरों की बात खोल रहे हैं। तो ये चैन पोलिंग का काम ना करे तो बेटर होगा। परमाणु बम लेके बैठे और इतने दूर बनारस से आप लोग चल के बाबा मुजेश्वरनाथ के दरबार में आए हैं, तो ये सब जो अड़भंग भाषा है इसको इसका प्रयोग ना करे तो बढ़िया होगा। ना अड़भंग होता ना अपनी। तो चलिए गाइस मंदिर पर चलते हैं। गाइस फूल भी ले चुके हैं और ये जल और ये सभी लोग ले चुके हैं। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर बहुत भीड़ है। हर हर महादेव। सोने की चेन पहने हुए हैं, सोने की चेन महिला पुलिस का भी पहले ध्यान दें। कोई जिम्मेदार खुद के जिम्मेदार हो गया, हो गया, हो गया। फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। और हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, बनारस से सीधा मुंजेश्वरनाथ मंदिर आए हैं, तो हमारी मेहनत सफल हुई और काफी अच्छा जल चढ़ाए हम लोग। हर महादेव महादेव सफल हुआ यार, कितना मजा आया, अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा हम लोग को। चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और हर महादेव, जय श्री राम।